देश में हवाई सफर का रास्ता साफ हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। तो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जो सवाल कई लोगों के मन में है कि आखिर हवाई जो यात्राएं हैं वो आखिर कब से शुरू होंगी, तो इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। SOP जल्द इसके बारे में जानकारी होगी, यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये सब सबको बता दिया जाएगा, क्योंकि 25 मई से घरेलू उड़ाने तो शुरू होने वाली है। हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, ये SOP एक बार पहले ड्राफ्ट बताया गया था, क्या उसी की तर्ज पे है या उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं? जायका पर अभी से आज 20 तारीख है, 25 तारीख को डोमेस्टिक घरेलू विमान सेवा शुरू होगी। तो अब लगभग 5 दिन का वक्त बचता है, तो एक आध दिन में जो है आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से, DGCA की तरफ से ये तमाम गाइडलाइंस आपके समक्ष होंगी। लेकिन जायका पर अब उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है जो इस इंतजार में थे कि वो अपने अपने डेस्टिनेशन तक जा सके, यात्रा कर सके। बिजनेस ट्रैवलर्स इसमें है, कई लोग ऐसे हैं जो कि ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो आपको सेलिब्रेटेड तरीके से सही, लेकिन विमान सेवा शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, कई जो उद्योग जगत के लोग हैं, चैंपियन को वो मांग कर रहे थे सरकार से कि जो ग्रीन जोन है वहां पे आप हवाई उड़ान सेवा शुरू कीजिए। आप देखिए कि वंदे भारत मिशन के तहत भारत लगातार अपने जो फंसे हुए नागरिक है उनको एयर इंडिया के विमानों से अभी भी आपको दूसरे चरण की शुरुआत हुई है 17 मई से, जो कि अभी चल रही है और लगातार लाया जा रहा है। तो अब सरकार जो है वो तो इंटरनेशनल है जो अपने फंसे यात्री को लाया जा रहा है, लेकिन घरेलू सेवा शुरू हो रही है। एक राहत की खबर है 25 मई से, और खुद नागरिक मंत्री हरदीप पुरी ने एक साक्षी की जानकारी दी है। तो जाहिर तौर पर राहत की खबर हवाई यात्रियों के लिए।